पीपल्स पार्टी तरफा चूंड सियासी सरगर्मन बाबत नौ जब्ता इखलाक जोड़ने लाइ समूरन सियासी पार्टी से राबतों को ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी है नौ जब्ता इखलाक कमेटी जोड़ी वेंदी। या कमेटी हुकूमत या ऑपोजिशन सूदो पार्लियामेंट का बाहर पार्टियों से भी राबता कंदी। नए जब्ता इखलाक तहत सियासी पार्टी चूंड सरगर्मियों कंदियों। चूंडन में देर कई वही तो पीपल्स पार्टी भरपूर मुखालफत कंदी। मकानी आम चूंडू वक्त से थींदियों। कराची में पार्टी अगवाणन से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बिलावल भुट्टो चयो तो अदालत आईन के बानी के इंसाफ न ॾेई सघी आहे त पोइ ॿियनि खे कीअं मिलंदो। इंसाफ के जिम्मेवार इदारन का पुछण घुरा तो कौम ए कारकुनन के कड़ो जवाब दियां। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के अदालती कतल बाबत रेफरेंस और मुझी दरख्वास्त 12 साल का अल्तवा हेठ है उनके जल्द बुधो वे हुकूमत के भी गुजारिश करूँ था तो रेफरेंस के जल्द हलाये वे। अदलिया के कुछ मानून जो दाग धोणो है तो शहीद ज़ुल्फ़िकार ली भुट्टो के इंसाफ दिनों वे। कायदी आवाम के भी इंसाफ ना ॾेई सकूँ था अदालतन के ताला हणो और मानून के चो था इंसाफ लाए न अचन। पीपल्स पार्टी तरफा दहशतगर्दन से नरम रवैयो रखने वाली पॉलिसी के खत्म करने जो मुतालबो। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बाद बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कौमी असेंबली के स्पीकर के चवंदी तो कौमी सलामती बाबत पार्लियामानी कमेटी जो इजलास घुराया वे। समूरन सियासी पार्टीज के दहशतगर्दी के मामले से एतमाद में वरतो वे। पार्लियामेंट की ओनरशिप से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी जो मुकाबलो कंदी। धमकियों डींदड़ पा मौत का रुझना हूँ अस मौत का ना रुझू पैं दहशतगर्दन जो मुकाबलो किया है। दहशतगर्दन जो धमकियों पैं जाए थे पर अस नजरिया मौकफ से कायम रहंदी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तरफा नयन चूंडन का अग चूंड सुधारा आणन से जोर। इदारन खिलाफ इमरान खान की प्रोपेगेंडा की मुजम्मत। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी के गडल सदारत में सीईसी के इजलास दौरान अगूड़े आर्मी चीफ तरफा माजी जो गलतियों मन एस्टैब्लिशमेंट तरफा सियासत में मुदाखलत न करण वे ऐलान की आजियाँ। सुप्रीम कोर्ट की अपील कई वही तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कतल बाबत पिटीशन के जल्द बुधो वे। इजलास में चयो तो कें भी सियासी जमात की ब्लैकमेलिंग में नींदी। सिंध का पोए पंजाब पे ध्यान देने की जरूरत है। वफाक में हुकूमत ठाण लाए पंजाब के फतह कर लाजमी है। बलोचिस्तान में अगवाणन की पीपी में शमूलियत पार्टी की वही कामयाबी करार। इजलास बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कें फरतला बाबर है तो कें भी आयन की भनिकड़ी की इजाजत न दिनी वी। सीईसी इतफाक है तो दहशतगर्दन से कें भी गाल नियं हथियार फिटा करण का सवाए गाल नथियों कर सकन। फौज कौम लाए वड़ियों कुर्बानियों दे रही है। रुगो ब या टे मू इंसाफ की राह में रंडक वी रहा है। पीटीआई सरबराह इमरान खान चाहिए है तो जेआईटी रिपोर्ट में तस्दीक थी है तो वजीराबाद में टिन हथियार बंदन फायरिंग कई हुई। एक फायरिंग जवाबदार नवीद कई बी फायरिंग मथा का थी और टी फायरिंग हेठे पासे का बंदूक जरिए कई वही। सीसीटीवी फुटेजेस में सामू आयो है तो डीपीओ गुजरात जवाबदार नवीद जो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। डीपीओ गुजरात कें चवण से वीडियो रिकॉर्ड कर कुछ सहाफिन के उमानियों यो केर हो जै सीडीडी के जवाबदार जो बो वीडियो बयान रिकॉर्ड कर कोशिशन बावजूद हमले की एफआईआर दाखिल न कराए सको आया। ये ताकतवर केर आन जिन पुलिस के केस दाखिल करण का रोको। इमरान खान के हमले की जवाबदार जो वीडियो बयान कें रिकॉर्ड किया हो जवाबदार नवी जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कर किरदार सामू अची व्या। इमरान खान के हमले का पे गिरफ्तार कल जवाबदार नवीद बशीर जो वीडियो बयान आरपीओ गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड किया पो। सीसीटीवी फुटेजेस में डीपीओ गुजरात पे फोन एसएचओ हवाले कदे नजर अचे तो एसएचओ सागी फोन से जवाबदार नवीद जो बयान रिकॉर्ड किया। एतराफी बयान रिकॉर्ड करने बाद एसएचओ फोन डीपीओ के वापस कदे भी नजर अचे तो फुटेज में जवाबदार नजर न तो अचे। फुटेज की तारीख 3 नवंबर रिकॉर्डिंग जो वक्त 5:28 दर्ज थियल। इमरान खान से 3 नवंबर से वजीराबाद में हमलो किया है। पंजाब के वे वजीर परवेज लाही गवर्नर के चवण से एतमाद जो वोट वठण का इनकार कर छोड़ो। परवेज लाही चाहिए है तो गवर्नर एतमाद जो वोट वठण बाबत गैरकानूनी हुक्म दिनों है संदस हुक्म न मनींदी। एतमाद जो वोट वठण जो मतलब गवर्नर की गैरकानूनी खत के कबूल करना है।
हुकूमत तरफा इमरान खान के असेंबली में वापस अची चूंड सुधारण से गालन की आज वफाकी वजीर एहसन इकबाल है तो इमरान असेंबली में वापस अचे गड़जी चूंड सुधारा आनी इमरान खान पैं करतूतन से नाहल हुकूमत जो उन में को भी किरदार ना है मुल्की मीशत जबून हाल है सभी के साथ दियण घुर्जे पर जैसे को साथ नो दे खामोश थी वेही रहे पीटीआई जहाँ नफ्सियाती अगवान अफवाह पकड़े रहा है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रो है दुश्मन मुल्क भारत में अड़ी गाल नो करें कें भी दहशतगर्द या दहशतगर्द तंजीम से गाल अफगान सरजमीन दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है अफगान सरकार पैंती सरजमीन दहशतगर्दी ला इस्तेमाल न थियण वो वायद पूरा करें वफाकी गुरुवजीर राणा सनाउला जी इस्लामाबाद में मजहबी मामलों वाले वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाउला है तो इमरान खान ब नंबर मानू है खेस का भी गोली न लगी है वह जख्मी थियण जो ड्रामो कर रो है यो तासुर दिनों पे वे तो वजीराबाद में इमरान खान से टिन पास का हमलो थो वो कूड़ है हमले में जवाबदार नवीद का सवाए बो को भी जवाबदार ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पारा सऊदी अरब यूएई जो सरकारी दौरों सऊदी मीडिया मूजिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बचाव वाले वजीर शहजादे खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात कई मुलाकात दौरान सऊदी के बचाव वाले वजीर आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बंटन से बाधाइयों दिन्यू मुलाकात में बिन्हीं मुल्कन तरफा एक बे से लागापा मजबूत करते इतफाक आईएसपीआर मूजिब आर्मी चीफ 4-10 जनवरी तीन सऊदी अरब यूएई जहा दौरा कह आर्मी चीफ बिन्हीं मुल्क के सीनियर क्यादत से मुलाकात क कराची में जमात इस्लामी जो मार्च पुलिस जो रंडकू ट्रोड़े वजीर अला हाउस दा वधन लगो हाफिज नईम रहमान की अगवाणी में कारकुनन जा काफिला प्रेस क्लब का सीएम हाउस दा रवाना थी गया वजीर अला हाउस वींदर रस्तन ते पुलिस नफरी मुकरर बैरियर लगाए रोड बंद कया व्या एसी एसएसपी साउथ तरफा जमात इस्लामी के अगवाणन से गाल जमात इस्लामी मकानी चूंडू जल्द कराने लाए सीएम हाउस दा धरने जो ऐलान किया हो अगवाणन जो चवण है तो हुकूमत की शफाफ चूंडू कराने की नीयत ना है खदशो है तो मुतहदा के चवण से पीपी मकानी चूंडू मुलतवी करा छी कराची वासन के पैंजा मकानी नुमाइंदा चूंडण जो हक दिनों वे इसाकदार के नाणे वो वजीर बनजन जो वो शौक हो मुझी वजारत संभालने बाद इसाकदार मुझे खिलाफ 6 महीनों तीन मुहिम हलई टीवी टे प्रोग्राम कराइन हो नाणे वे अगूड़े वजीर मिफ्ता इस्माइल जो बयान मिफ्ता इस्माइल तो वजीर आजम मुख्य वजारत ता हटाए न पे चाहो इसाकदार नवाज शरीफ के तो मुख्य वजीर बनाया तो पेट्रोल सस्तो कदस वजीर आजम के मुख्य हटाने जो अख्तियार हो पर जड़े तरह हटाए पो वो तरीको सही न हो उन में को शक ना है तो इमरान खान सुठो सियासतदान है अफसोस से चवण तो पे असानी खुशहाल धरती या मानू अज ब वेला मानी ला परेशान ही जो महंगाई है या नाकाबिले बर्दाश्त धरती जा मानू गरीब मानू मजदूर मानू अटे मानी चावल के भजन बसरन ला परेशान आई सिंध में अटे के बोहरान महंगाई खिलाफ एहतजाज जारी उमरकोट में शहरों जो अटे के महंगन अघन से विक्रे खिलाफ अल्लाह वाले चौक से केतरी कलाकन का लगल धरणो जारी
पीटीआई जहाँ कारकुन भी रैली की सूरत में धरने में शामिल थी व्या। धरने सबब मुख्तलिफ शहर ईंदड़ वींदड़ ट्रैफिक मुअतल। कोटली में शहर पारा अटो महंगो थियण खिलाफ़ नैशनल हाईवे से धरणो, ट्रैफिक मुअतल थी वही। शादीलार्ज, नबीसर रोड, फैजगंज, कड़ियो घंवर ए बन शहर में भी मुसाहरा। सागर घोटकी काजी अहमद में सस्ते अटे के स्टॉल से गाड़ियों से खलक उतरी पी। काजी अहमद में अटो वठंदड़ औरतू पान में विढ़ी पी। वगड़ में महंगाई खिलाफ़ जेयूआई के सर से एहतजाज। मेहर में अटे का कुकुड़ जो गोश्त भी 600 रुपया फी किलो विक्रो थियण लगो।